हे गाइस, राम राम जी। सारा ने मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। तो आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आपके आगे आ गई हूँ और उम्मीद करूँगी यह वीडियो भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद आओगी। जैसे पहली वीडियो थे मेरे तो इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट करा, आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहोगे और इस वीडियो को भी लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे। यह वीडियो थोड़ी सी फनी भी होने वाली है और थोड़ा सा मतलब जैसे भी है देख लो आगे। और आज का मेन टॉपिक जैसे आपने देख लिया होगा थंबनेल पे, मैंने लिख रखा है जापा। जापे का मीनिंग मैं बता देती हूँ। जब बेबी होता है तो बेबी होने से जब तक कुआ नहीं पूजा जाता, जब तक प्रॉपर तरीके से उठ लेते, काम नहीं करने लगते, वो टाइम सारा जापे को होया करा, हमारे में जापा क्या करा। उसने डिलीवरी होने के बाद, बेबी होने के बाद आपके में जो कहते हो आप समझ लेना फिर इस तरह। मतलब डिलीवरी होने के बाद का जो टाइम हुआ जब तक वो जो है लेडीज है बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, तो उसने क्या करा जापा। तो इसी टॉपिक पर आज मेरी वीडियो है और वीडियो बहुत ही मस्त। तो आप मैं बता दूं, मेरे को एक चीज़ मैंने एक चीज़ पूछनी है, जो ये वीडियो बनाने वाले हैं, जो ब्लॉगर हैं, थोड़े से वायरल से हो जाए हैं और तुम्हें बताओ, मैंने मतलब इनका इनका इतना वो नहीं होता कि फिर दर्द होना कम हो जाए वो, या फिर मतलब एकदम बंदा ठीक हो जाए ऑटोमेटिक। मैंने एक चीज़ समझनी है, जब इनका बेबी होने वाला हुआ है, जब तो ये इतने ड्रामे रचता है जिसका कोई हद नहीं होता, जब तो कोई मतलब ये इन वो जो नॉर्मल हुए हैं, हाउस वाइफ हुए हैं, जो वीडियो वाडियो नहीं बनाती, मैं तो बेचारी मैं चाहे इतना कुछ कर दी मैंने, ये उस टाइम तो ये आठवें महीने में तो इनका लेबर पेन स्टार्ट हो जाए हैं, इन्हें सांस आना बंद हो जाए हैं, इन्हें मतलब इनका कदे उधर शुरू हो जाए हैं, 20-20 बार हॉस्पिटल में लेकर जानी पड़े हैं, लेकिन डिलीवरी होने के बाद ऐसी कूदा है जिन्हों की कुछ है ही नहीं। मैंने नू बताओ भाई, ये जापा है कि सच्ची में ड्रामा है, बहुत बहुत मतलब मैंने तो सोचा है ये 10 दिन भी नहीं हुए हैं, 10 दिन आज 10 दिन की होगी शायद उसकी छोरी, या उसका कम की होगी। 10 दिन पहला तो मतलब 10 दिन के 2-4 दिन पहला तो है रिंकू बिल्कुल जोर जोर से रो रही है, उसके टांग में दर्द है, उसका नूह है, वो तो बिल्कुल ये होगी है उस भाभी शरीर में है, जान नहीं रही, ये नहीं रहा। अरीब इंस्टा पर नाच नाच के वीडियो बना लगा है, नाची नहीं मतलब डांस खड़ी होगी, नए कपड़े पहन लिए। जापे में ना जब तक कुआ नहीं पूजा जाता नहीं तो नए कपड़े पहना भी नहीं करते, क्या एक हाथ भी नहीं लगाया करते, यो वो होया करा कि जापे में है तो जापे में रोज ना कुछ काम करना स्वामी ने तक ना क्या एक हाथ लगाना और खाट पे बैठी तो मिलेगा और खाट पे रहना। इनका तो जापा भी स्टैंडर्ड का, एक कदी बेड पे कदी खाट पे, कदी बेड पे कदी खाट पे, जापे वाली का एक चीज़ होया एक ठिकाना होया अगर अपने बच्चे के पास ही रहा करे, वह उसने अकेला तो छोड़ा भी नहीं कर दे कत्ती भी भूल के भी मारे में तो ना दूसरी तरफ मुंह करके भी नहीं सुन दिया कर दे कि बच्चा डर जाएगा, दूसरी तरफ मुंह नहीं करके सोना, बच्चे की तरफ ही मुंह करके सोना है। लेकिन ये तो 2 मिनट तो भाई बेड पर लौटा है, 2 मिनट खाट पर लौटा है, फिर बैठ जाए हैं, फिर इनकी कमर में दर्द हो जाए, फिर इनके टांगे में दर्द हो जाए, भाई साहब समझ नहीं आ रहा ये के कर रही है, जापा है कि ड्रामा है। चलो वायरल हो रहे तो वीडियो बनाओ हो, शरीर तो वो है, इंसान तो वो है हो, तो थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान दो। अरमान मलिक ने देख लो है पायल अरवा गोलू, जापा तो सोचो मतलब नाम लेंदे आने वो लगा लगता ही नहीं उनका तो जापा था। डिलीवरी होते 2 दिन बाद घर आई, तीसरे दिन ठहकर पैर कर कपड़े मार्केट में शॉपिंग करने लगी, शॉपिंग कर दी, फिर मजे तो बालक की अक्ख छिल लेनी है, ये भी लड़का बनियान लेना है, ये भी लेना है, ये अपने कपड़े लेने हैं, ये भी सामान लेना है, मतलब हद है यार, इतना थोड़ा होया करा है, जापा है जापे की तरह करो। फिर बाद में ही देख लो कि यार कभी कोई सा बालक बीमार, कभी कोई सा बालक, अपने रीति रिवाज कभी नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे कोई कितना स्टैंडर्ड का जो कितना आई फाई हो, जो जो भी है हमारे जो देवी देवता, हमारी जो रीति रिवाज है वो पुराने ही रहोंगे, तो कभी भी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। जो ये रीति को ये फिर थी गोलू और बाद में सारा लिख गया बालक देख, कभी कोई का बीमार रहा, कभी कोई का कुछ होया रहा, कभी किसी का कुछ रहा, खुद भी नहीं ठीक रही, डंग तर रहो, जापे वाले कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो एक क्या करे, वो एक किसी वो है कि इसमें जो है कुछ भी है जो गलत ओपरी राई वो है, अभी सब तो ज्यादा लागन का डर रहा, बाद में फिर कभी ये राई बंद है, कभी सिर सम बंद है, कभी काले धागे बंद है, कभी कातर बंद हो, जब इंसान इतना फैंसी है तो फिर ये चीज क्यों करो, क्यों राई धागे बंद हो, अपना रो मॉडर्न बन गए ना, रो मॉडर्न ड्रेस पहन पहन गए ना, बनाओ इंस्टा पर रील। चलो अरिया रिंकू से आगे देख लो, या वे 2 दिन पहले तो तेरे टांके में दर्द हो रहा था, इतनी रोवा थी तू, है तेरा लोग तो थंबनेल बना बना ना कहना पागल हो रहा, इव रिंकू के टांके में दर्द है, इव रिंकू का नू हो रहा है, इव रिंकू का नू हो रहा है,
और यहाँ इंस्टा पर नए कपड़े पहन के वीडियो बनाने लग रही, नए कपड़े जब तक कुआ नहीं पूजा जा करता, अपने मैारी तो है कुआ नहीं पूजा जा, तो नए कपड़े पहना नहीं करते ना मेकअप करा करते। हाँ मेकअप, मेकअप तो पायल हो रे भगवान, डिलीवरी हो नहीं, डिलीवरी होने घर जाते हैं एक किलो पीओ पी मार ली, एक किलो पीओ पी मार करना फिर मैं घर आ गई है। सारी दुनिया ने देख रखी तम बिना मेकअप भी देख रखी, मेकअप में भी देख रखी, उस टाइम मेकअप करना जरूरी हुआ है, हर चीज़ की लिमिट हुआ है, तो बाद में फिर भुगतना पड़ा है। बच्चा सब मतलब नाजुक चीज़ बच्चा हुआ है और वो बिल्कुल इतना संभाल कर रखना होगा कि हमने कुछ भी गलती नहीं करनी होती उसके लिए, तो उस खातर बहुत हमने सेक्रीफाइस करने पड़े हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे बेटा 3 साल का है, 3.5 का मतलब 3 साल 2-3 महीने का है, मार्च में 3 साल का हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई 3 साल 4 महीने का, मतलब 2-2.5 साल तो ना इंसान भी भूल जा है कि हाँ मेरा मैं खुद के हूँ, मैंने क्या करना लाइफ में, अपना अपना सब कुछ भूल जाए, सिर्फ बच्चे की तरफ फोकस हुआ है। लेकिन ये तो इतना फैशन ज्यादा है, फैशन ठीक है, टाइम लिमिट 100 महीने के बाद करना चाहिए। तो जो रिंकू भी यो कर रहा है ये वीडियो बना, सूट कड़ी नहीं बैग कर जाते, इंस्टा भी उड़े रहोगा, सूट भी उड़े रहोगे, रील देखने वाले भी उड़े रहोगे, लेकिन जो अपने रीति रिवाज है जो है वो लिमिट में अच्छे लग गया करें, सारी चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। इब जो है सासुआ भी चलो उसका, उनका तो सासु नहीं वे तो है ही खुली, उनका तो कोई है ही नहीं वो, तो इसका तो है, तो उसका भी इतना फालतू फैशन भी दिखाना चाहिए। जब इनका एक वक्त जब इनका बालक हुआ, जब तो ब्योस होना जा, हाई जी लिकट गया, हाई नू हो गया, हाई नू हो गया, जब भी थोड़ा थम फैशन करके जा करो, जब भी मेकअप करती करती जाया करो, जब भी दिखाया करो, जब तो थम अगले जो सब्सक्राइबर है उनका उनका भी कत्ती नू जान का डंडो जो, हाँ ला भाई फिर नहीं क्यों होगा, ला भाई फिर नहीं क्यों होगा, हाई प्रेयर करो, हाई नू हो जाएगा मारा, हाई नू हो जाएगा मारा। और जब ये फैशन जाड़ो, जब पूछो सब्सक्राइबर आप अकीब नू कर ला कि नू हो जाएगा कि हर चीज़, अगर सब ये अरमान मलिक और इतने फैंसी थे फिर क्यों इन्हें सब कुछ करा, फिर क्यों अवन करवाया, फिर क्यों नाम बदले, फिर क्यों अपने हिंदू पे उस पर नाम रखे। तो भाई जो जहाँ पैदा होया उसने उसके अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए, और फालतू जो स्टैंडर्ड जितने दिखा होगा वो एक दिन पछतावा है, बाद में सब कुछ लिगड़ जाए उसके, मैं कोई बेरा लग जाए उसने, ये अपना पाठ भी करवाएंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तोड़े दमे इतने बन जाए, हमने तो सारे धर्म नू हैं, हम तो सब के हैं, हमने तो किसी तक कोई मतलब नहीं है, हमने तो नू नहीं है, ये बाद में क्यों आई लाइन पर। तो सब ने पता है सब चीज़ जरूरी हो है, लेकिन हर चीज़ लिमिट में अच्छी लग गया करें। ये मेकअप करना कड़ी नहीं जानते, यो भी अगे रहोगा और थम भी आड़े रहोगे, और डांस भी आड़े रहोगा, इंस्टा भी आड़े रहोगा, रील बनाओ, वीडियो बनाओ, जो मर्जी करो, लेकिन जापे ना जापे की तरह रखो। हम कोई बड़ा वो काम नहीं करती कि हमने अवार्ड भी लगाए, जापे में तो उठ कर नाचने लगे, उठ लो नाच लो, खुद का शरीर खराब करोगे, खुद के ना थमने दिक्कत आओगी, थारे बालक ने दिक्कत आओगी, खुद ने थमने फेस करना पड़ेगा सब कुछ। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई, थोड़ा लिमिट में सब कुछ अच्छा लगा। जो यार रिंकू 10 दिन की हो ही नहीं, उठ कर इंस्टा पे वीडियो बनाने लगी, वो करने लगी, लोग कमेंट भी करा कि बेबे पहले जापा आराम तक हट ले फिर नाच ले, इंस्टा भी कड़ी नहीं जाता और सूट भी कड़ी नहीं जाते, सब कुछ छड़े रहोंगे। तो सारी चीज़ अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। अरमान मलिक और की रीस नहीं करा, वो तो सब कुछ दिखने लग रहा है, सब नबेरा लग रहा है, मैं ज़्यादा फैशन झाड़ थी, बाद में अपने सतिए भी दरवाए छठी भी, मतलब दुनिया की ना दुनिया की मन तो लाग में पहले लुगाई है जो अपनी छठी पर अपने आप गीत गाए थे 6 दिन की, यार 6 दिन की बालक ने लेकर नीचे चली गई, नीचे जाकर उन्हें गीत भी गा लिए, इतना अद कर रहा है, और इनके इतने बड़े बड़े परेशान हो रहे हैं, दिखावे हैं ये। मैं तो नहीं कहती दूसरे इनके बालक है जिन्हें पैसा करे, लेकिन खुद का भी ध्यान रखना चाहिए उनको, और मन ने मारा ध्यान रख रखा, अरमान ने मारा नुकर रखा, अरमान कोई नहीं आ रहा धरती पर, सब ध्यान रखा अपने, जिस जो भी एक माँ बनने आई कि पूरी फैमिली उसका ध्यान रखा है, ठीक है नहीं, कोई सा नहीं है कि जो ये वीडियो बनावा है इनके लोग सब तो अलग हो, इनके लोग ध्यान रखें। इसमें मैं एक बहुत मज़ेदार अलग वीडियो लेकर आऊँगी, जो ये लोग दिखा मैं और जो लोग देख देख कर ना इन्हें सोचे हैं, तो इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी। आज की वीडियो इतनी ही, जिसने भाई मैं तो ये समझाना कि नहीं इतना नहीं करना चाहिए, थोड़ा लिमिट में रहेगा, सब कुछ करना चाहिए, फालतू के चोचलेबाजी में कुछ नहीं, बाद में पछताना पड़ा है, बाद में सब कुछ लिखड़ जाए बाबा जी, और मानो और की देख लो ये सारिया वाली गढ़ रही है ये, ठीक है। अपनी देवी देवता जो कुछ पूछना पालना सब कुछ करना हो ना, सब कुछ करना चाहिए, किसी दूसरी नू क्या करा, मेरी माँ और नई रीत लगानी नहीं चाहिए और पुरानी छोड़नी नहीं चाहिए, तो अपना यो रखना चाहिए, चाहे कोई कितना स्टैंडर्ड है, कितना फैंसी बन जाओ, चाहे कोई कहीं जा कर लग जाओ, लेकिन अपनी जो हमारे देवी देवता में तो सारे में ही रहोगे, उनकी सोच भी वही रहोगे, उन्हें उस चीज़ में खुश रहोगे, उन्हें पूजना पड़ेगा वे, तो वे भी बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो कैसी लगी, आपने मेरे विचार कैसे लगे, तो वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो,
और फिर जो से कमेंट करेंगे कि दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करी, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करी, उन्हें रिप्लाई में इबे दे दूँ थमने जो भोकना भोको, मैं तो नू ही मजे लेंगी, मैं तो नू ही बनाऊंगी, जो मेरे विचार है, जो मैंने अच्छा लगेगा मैं तो बोलूँगी, जो भी मेरे विचार तय एग्री करेगा वो वीडियो ने लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, कमेंट भी कर देगा और चैनल पर सब्सक्राइब जो नया तो सब्सक्राइब भी कर देगा। बाय बाय, जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राम राम।